बड़े होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। सो दोस्तों, अगर आप भी अपनी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो अंत तक जरूर देखते रहना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर आपके लिए नई नई अपडेट्स लाता रहता हूँ। सो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ऐसी फ़ोटो एडिट करने के लिए आपको इसी टाइप में कुछ एक पोज देते हुए फ़ोटो खिंचवा लेनी है और उसका बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। सो दोस्तों, मैंने पहले से ही फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करके रख रखा है। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इस बैकग्राउंड का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला बैकग्राउंड, और डाउनलोड करने के बाद इसे हम शेयर कर लेंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। एक मिनट दोस्तों, पहले हम उस वाली फ़ोटो पर जाएंगे जो हमने बैकग्राउंड इरेज करके रख रखा है जिसका। सो दोस्तों, ये है वो फ़ोटो, मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, ये वाली है वो फ़ोटो, और इसको हम पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर कर लेंगे। और शेयर करने के बाद हम जाएंगे ड्रॉ टूल पे, और यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करके रखेंगे। इसका साइज हम बड़ा कर लेंगे। सेट कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी पूरी बॉडी पे इसे पेंट कर देंगे। और यहाँ से हम लेयर पे जाएंगे, और यहाँ से इसे मल्टीपल कर देंगे, और मल्टीपल करने के बाद इसे हम यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद हम वो बैकग्राउंड ओपन करेंगे जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो दोस्तों, ये रहा वो बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड को मैं ओपन कर लूँगा अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। और यहाँ से सबसे पहले हम वो ब्लैक वाली फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिसको हमने ब्लैक करा था अभी, और इसका साइज़ हम बड़ा कर देंगे थोड़ा, और इसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे ताकि ये हमारी ऐसे लगे कि हमारी शेडो है। फिर हम अपनी वो वाली फ़ोटो, पहले हम इसकी ऑपेसिटी कम कर देंगे थोड़ा, और वो वाली फ़ोटो ऐड करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ से आएंगे ऐड फोटो में, और ऐड कर लेंगे अपनी वो फ़ोटो। और उसका ध्यान से कर देंगे डन। फिर मैं आपको कुछ PNG का लिंक दूंगा, उनको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सो मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पे वो 4 PNG ऐड कर लेंगे, कि ये और ये, और यहाँ से ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इन्हें छोटा करेंगे थोड़ा, इस वाले को ऐसे लगाएंगे, फिर अगले वाले को ऐड करेंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा करेंगे इसे, फिर अगले वाले को ऐड करेंगे, और इस वाले को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सो दोस्तों, इतना हो जाने के बाद यहाँ से इसे डन कर देंगे, और इस फोटो को सेव करने के लिए हम जाएंगे ड्रॉ टूल पे, यहाँ से 3 डॉट और सेव इमेज। उसका दोस्तों, इस फोटो को ओपन करेंगे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ से शेयर कर लेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर।
उसके बाद दोस्तों हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे। और ये रही वो फोटो, फिर हम इस फोटो में थोड़ी सी रिटचिंग कर लेते हैं। सबसे पहले लाइट वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, कंट्रास्ट को कम, हाइलाइट्स को इंक्रीज़ करेंगे, फिर शेडोज़ को कम, वाइट्स को इंक्रीज, ब्लैक्स को कम। फिर मिक्स टूल पे जाएंगे, यहाँ से रेड कलर की सैचुरेशन को इंक्रीज़ करेंगे, ऑरेंज कलर पे जाएंगे, ल्यूमिनस को इंक्रीज़ करेंगे और सैचुरेशन को कम। फिर ग्रीन कलर पे आएंगे, इसकी सैचुरेशन को फुल कर देंगे, येलो कलर की सैचुरेशन को भी फुल कर देंगे। इसके बाद जाएंगे ब्लू कलर पे, इसकी सैचुरेशन कम और ब्लू कलर की थोड़ी सी सैचुरेशन इंक्रीज। फिर पर्पल कलर की सैचुरेशन को कम, यहाँ से कर देंगे डन। उसके बाद आएंगे क्लैरिटी वाले टूल पे, इस फोटो में थोड़ी सी क्लैरिटी डालेंगे, यहाँ से बिगिनर को कम करेंगे और डीएस को इंक्रीज। तो दोस्तों देखिए पहले फ़ोटो कैसी थी और अब कैसी है। तो दोस्तों इस फोटो को सेव करने के लिए मैं जाऊँगा 3 डॉट पे, यहाँ से सेव टू डीएस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों अगर आप भी अपनी फोटो को जिस स्टेप से एडिट करना चाहते हैं तो प्लीज़ एडिट करना और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग भी करना। दोस्तों मुझे अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको वहाँ पर आपके लिए मैं नई अपडेट्स लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।